अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस सेक्शन का। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है, चूज 3 एग्जांपल टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि कल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा नेशन को बढ़ाने के लिए, या फिर क्या कर सकते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप को यूरोप में जगाने के लिए। और साथ ही साथ अगर है तो 3 एग्जांपल के साथ हमें बताना है। तो अगर मैं क्वेश्चन को डीप में आपको समझाऊं तो इसमें बोला गया है कि मतलब कि फाइट्स वॉर्स इसके अलावा भी क्या कोई वे है, मतलब कि किस सबके अंदर नेशनल सेंटीमेंट्स जगाने का, फाइट और वॉर्स के अलावा भी सबके अंदर ये है कि सबको एकजुट कर सकते हैं। तो हाँ वे है एकजुट करने का, वो क्या है 3 एग्जांपल के साथ हमें बताना है। तो 3 एग्जांपल टू शो दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आर। तो इधर से हमारा आंसर स्टार्ट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज पे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इन्होंने लैंग्वेज है जो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कैसे वो हम देखते हैं। आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशिया एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो देखो ये हादसा देखा गया था पोलैंड में। पोलैंड में क्या हुआ था, रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसके बाद देखो पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है, स्कूल्स में हर जगह पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है क्योंकि वो पोलैंड है, तो उसकी अलग लैंग्वेज होगी। तो क्या हुआ जब रशियन ने उनको ऑक्यूपाई किया तो उधर क्या किया उन्होंने, स्कूल्स पे और बहुत सारी जगह पे क्या किया, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया, मतलब कि अब कोई सब रशियन लैंग्वेज में ही बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, द क्लर्जी इन पोलैंड बीइंग यूजिंग लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनलिज्म रेसिस्टेंस। तो क्या जो क्लर्जी के लोग थे उन्होंने, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया पोलिश लैंग्वेज ही यूज़ किया, मतलब कि जो पोलैंड की लैंग्वेज थी उन्हें ही यूज़ किया, वो वेपन की तरह लेने लगे, अगर हम लोग इनको अपोज करेंगे, मतलब जो इन लोगों ने बोला रशियन लैंग्वेज यूज़ करने को, लेकिन हम इन्हें अपोज करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया एक वेपन की तरह लिया, और वो क्या करते थे पोलिश को हर जगह बोलते थे, और साथ ही साथ पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि हर रिलीजियस जगह पे और साथ ही साथ चर्च में क्या होता था, सब पोलिश लैंग्वेज ही यूज़ करते थे। तो रशियन जो लैंग्वेज थी वो यूज़ नहीं करते थे, मतलब इन्हें क्या करते थे अपोज करते थे। उसके बाद द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो क्या हुआ एक स्ट्रगल की तरह, एक सिंबल की तरह देखा गया इसको पोलिश लैंग्वेज को यूज़ करने में। तो इसका आंसर इतना ही लैंग्वेज का फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट एग्जांपल दिया। लेकिन इसी के साथ साथ क्या हुआ था, जो क्लर्जी और बहुत सारे जो लोग थे, क्लर्जी के जो स्पेशली क्लर्जी के जो लोग थे, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था पोलिश लैंग्वेज के यूज़ करने के चक्कर में। ये मैंने पॉइंट में नहीं दिया है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो अब देखते हैं और क्या थे एग्जांपल्स। तो और जो एग्जांपल्स थे, रोमांटिसिज्म इट वॉज अ कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू बी द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म सेंटीमेंट्स। तो मतलब क्या हुआ कि नेशनल सेंटीमेंट जगाने के लिए ये भी एक अच्छा वे था, इन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, वो क्या था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है वो हम देखते हैं। तो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजंस एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस इंस्टीट्यूशंस एंड मिक्स फीलिंग्स। मतलब कि रोमांटिक आर्टिस्ट कौन है मैं बताता हूँ। रोमांटिक आर्टिस्ट ऐसे लोग हैं, आर्टिस्ट्स ऐसे लोग हैं जो लोगों के इमोशन पे, मतलब कि इमोशन लोगों के अंदर इमोशन जगाते हैं देश के प्रति, देश को लेकर कि नेशनल सेंटीमेंट जगाते हैं लोगों के अंदर, वो कैसे। लेकिन उसी टाइम पे क्या हो रहा था, रीजंस और साइंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजंस एंड साइंस, मतलब कि रीजंस और साइंस पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि देखो उधर साइंस उस टाइम पे इतना ज़्यादा चल रहा था, इतने सारे इन्वेंशंस हो रहे थे कि साइंस जो है बहुत ज़्यादा सब लोग फोकस करते थे उस पे, साइंस पे ही सब लोग देखते थे साइंस क्या ये सब, मतलब किसी का फोकस नेशन स्टेट नेशन को ये करना है ये करना है कुछ नहीं जाता था, साइंस रीजंस इन पे ही जाता था उनका फोकस। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने लोगों के इमोशन पे क्या किया, वार किया है बोल सकते हैं, लोगों के अंदर इमोशन जगाई, किसको लेके देश को लेकर उन्होंने फीलिंग जगाई, मिक्स फीलिंग जगाई देश को लेकर। रोमांटिसिज्म इसका मतलब है दे ट्राइड टू पोर्ट्रेट अ कॉमन कल्चर पेस्ट एज अ बेसिस ऑफ नेशन। तो यही है कल्चर का यूज, उन्होंने क्या किया उन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया बहुत सारी मतलब बोल सकते हैं हमने पोइट्स भी बोले, ये सब करके इन्होंने क्या किया न्यूज़पेपर्स भी इन्होंने बनाए थे बहुत सारे, मैगजीन्स नहीं बोल सकते न्यूज़पेपर या पेपर ऐसे बोल सकते हैं, उन्होंने वो सब बनाया नहीं था मतलब कि उन्होंने ये सब यूज़ किया था। अब फोक पोइट्री फोक डांस फोक सॉन्ग्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज थ्रू द अबव मीन्स। मतलब कि पूरे नेशन में ये बहुत पॉपुलराइज था क्यों था, क्योंकि फोक पोइट्री फोक डांस फोक सॉन्ग्स ये क्या है, सो कलेक्टिंग अ रिकॉर्ड दीज फॉर्म्स ऑफ फोक
वो कल्चर वॉज एसेंशियल पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो जो मैंने अभी पहले पॉइंट बोला कि आपको अगर समझा नहीं होगा तो मैं बोल देता हूँ, पूरा एक पैराग्राफ पूरा समझा देता हूँ कि देखो फोक पोइट्री, फोक डांस और फोक सॉन्ग क्यों यूज़ किया गया था। क्योंकि देखो बहुत सारे देखो ऐसे लोग होते हैं कि जो पढ़ नहीं पाते, जो इलिटरेट होते हैं, तो उन्हें कैसे समझेगा, देखो उन्हें कैसे समझेगा, मतलब कि बहुत चीज़ें लिखते भी थे ना रोमांटिसिज्म में, बहुत सारी चीज़ें लिखते भी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, फोक पोइट्रीज। अब पोइट्रीज अगर कोई सुनाएगा तो आप सुनोगे तो आपको कान से सुनना है ना कि पढ़ना है, तो उससे भी कुछ ना कुछ फीलिंग जगाई उन्होंने, फोक डांसेस किए, फोक सॉन्ग्स, इन सब से उनके अंदर फीलिंग जगाई। जो इलिटरेट थे उन्हें भी पता चला कि क्या है हमारे नेशन के प्रति, उन्होंने क्या क्या फोकस करना है नेशन के ऊपर, मतलब नेशन को लेके उनके अंदर सेंटीमेंट्स जगाए। तो और साथ ही साथ ये सब कर सकते थे, पूरे नेशन को क्या किया, बेस्ट ये था फोक पोइट्री, फोक डांस और फोक सॉन्ग्स, फोक उधर बहुत चलता था इसलिए उन्होंने फोक पोइट्रीज और ये सब लिया। तो यही था हमारा आंसर। तो ये मैंने तीन एग्जांपल आपको समझा दिया है। अगर आपको मतलब ये इक्वेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।